जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद असलम खान वक़ार, असलम वक़ार आडियोपीडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया का स्क्वाड अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 2020 के लिए जो इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। ये वर्ल्ड कप 17 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। तो इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से प्रियाम गार्ग जो है ना वो कैप्टन होंगे और ध्रुव जुरल विकेट कीपर होंगे। इसके अलावा यशस्वी जसवाल हैं, तिलक वर्मा हैं और देवांश सक्सेना हैं और शश्वत रावत हैं और देवयांश जोशी और शुभंग हैद और रवि बिश्नोई और आकाश सिंह और कार्तिक त्यागी और अथर्वा अंकुलकर और कुमार कुशग्रा और सुशांत मिश्रा और विद्याधर पाटिल को शामिल किया गया है। ये 15 रुकनी स्क्वाड है इंडिया का। इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप 4 मरतबा जीत चुका है, सन 2000, सन 2008, 2012 और 2018 का वर्ल्ड कप इंडिया 4 दफ़ा जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 दफ़ा जीता है, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा जीता है, जबकि वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने एक एक दफ़ा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है। तो 16 टीमें जो है ना इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। इनको 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इंडिया ग्रुप ए में है, इसमें इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जापान हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और नाइजीरिया की टीमें हैं। ग्रुप सी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड की टीमें हैं और ग्रुप डी में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा की टीमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया है वर्ल्ड कप के लिए। जसवाल डबल सेंचुरी कर चुके हैं विजय हजारे ट्रॉफी में और जो प्रियाम गार्ग हैं ये इनकी एवरेज 66 से ऊपर है। तो इंडिया डिफेंडिंग चैम्पियन है। तो साउथ अफ्रीका में अपने आजाज का दफा करने के लिए इंडिया ने 15 रुकनी दस्ते का ऐलान कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका का भी दौरा करेगा जहां पे ये 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और या एक 4 मुल्की सीरीज़ में भी हिस्सा लेंगे। तो ये था इंडिया के स्क्वाड के बारे में मालूमात। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सकें। असलम खान को दीजिए इजाज़त।